ठीक है, मानसिक तवाजन ठीक है, तुहाडे तां तथ्य गलत है। तुसीं इह किन्ने पै 57 च कढ दित्ता सी फिर कैबिनेट चो, तां कहिंदे कैबिनेट च रहे आ दादा जी बिक्रम मजीठिया दे। देखो जिस तरीके नाल कल मुख्यमंत्री भगवंत मान दे बोल बिगड़े, हालांकि मौका सीगा नियुक्ति पत्र वंडने सीगे नवे जिहड़े रिक्रूटेड नवे इंप्लाई जिहड़े रखे सीगे, उस मौके ते अचानक ही अकाली दल फिर उस तों बाद बिक्रम सिंह मजीठिया उहनां दे उत्ते उहनां दी सोई गई, बोल बिगड़े हुए सीगे। गल दादा दी यानी पूर्वज बिक्रम सिंह मजीठिया दे जिस तरीके नाल पंजाब दी पॉलिटिक्स दे विच ए गल्लां बहुत वार होई है कि बिक्रम सिंह मजीठिया दे दादा जी जिस तरीके नाल जनरल डायर नूं उस जिहड़े जलियांवाला बाग दे इंसीडेंट तों बाद ना केवल उहनां नूं डिनर कराउंदे ने बल्कि अकाल तख्त तों सरोपा भी दवांदे ने, और गल अकाल तख्त दे सरोपे दी जद गल होई उहदे विच सिमरनजीत सिंह मान जिहड़े संगरूर तों बाई इलैक्शन जितते सीगे उहनां दे नाना दी भी होई, यानी पॉलिटिक्स पंजाब दी गल दादियां दी नानियां दी गल करदे हुए नज़र आए भगवंत मान होना। फिर गल उन्होंने बादल परिवार दी भी की, सुखबीर सिंह बादल दी भी की, हरसिमरत कौर बादल दी भी की, और यह भी कहा कि बिक्रम सिंह मजीठिया और सुखबीर सिंह बादल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाण इकट्ठे, क्यों एक दूजे के नज़दीक नहीं आते, क्यों एक दूजे के नाल नहीं आते, और खास करके अकाली दल के उत्ते अटैक करते हुए उन्होंने यह भी कहा, कहिंदे ने कि भाई जाते टाइम यानी जब कोई उत्ते जाता है और वो अपने हाथ नाल कुछ नहीं लैके जाता, पर प्रकाश सिंह बादल होना अकाली दल नाल ही लै गए, यानी यह सारी गल्लां दा जिक्र कल किस की लोड़ पई सी और की कारण सीगा असी इनू एनालाइज करन दी कोशिश की, और तद पता लग्या कि हुण 2024 की लोकसभा इलैक्शन तो पहले अपने दुश्मन सिलेक्ट किए जा रहे हैं, और वो तलखी क्योंकि बेसिकली 2022 की असैम्बली चोणां दे विच मेन अटैक हुंदा सीगा आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के उत्ते, और उस तो बाद दूजे पासे सुखबीर सिंह बादल या फिर अकाली दल के उत्ते अटैक हुंदा सी। अज जद यह गल चल रही है कि इन्हों का अलायंस हो जाना, उस अलायंस के हुण तीजे नंबर का दुश्मन के उत्ते अटैक करना चालू किया, क्योंकि 1.5 साल के आम आदमी पार्टी या मुख्यमंत्री भगवंत मान उन्होंने अकाली दल के उत्ते तकरीबन नरमी रखी थी, और विजिलेंस ब्यूरो ने भी जिन्हें भी केस किए थे वो मैक्सीमम वो कांग्रेस के पूर्व मंत्री या कांग्रेसी MLA के खिलाफ ही थे, और अकाली दल के खिलाफ कोई बहुता केस एक जनमेजा सिंह सेखों तो अलावा होर कोई भी केस अकालिया के खिलाफ नहीं किया। फिर उस तो बाद बिक्रम सिंह मजीठिया उन्हों का भी जिस तरीके वो एक पत्रकार गल करते हुए यह गल कहते हैं, गल बेटी तो आ जाती है मुख्यमंत्री उन्हों की बेटी के उत्ते, और मैनू यह लगे कि इन गलों की ना तो बिक्रम सिंह मजीठिया उन्होंने हजे लोड़ थी और ना ही मुख्यमंत्री लोड़ थी, पॉलिटिक्स के स्तर इन्ना हजे डिगाम की लोड़ नहीं सी, क्योंकि इलैक्शन के माहौल के इदा स्तर थले आते हुए आप नैशनल पॉलिटिक्स के भी देखे है, पर सूबे की पॉलिटिक्स भास्कर साहब डिगदा कदों पॉलिटिक्स का पद्धर ये उदो ही डिगदा ना जो पता हो तो कहने कुछ नहीं आ दिखाने कुछ नहीं आ ना अकाली दल दे कोल कुछ इदां दा हैगा जिहदे दम ते उह कहण आ देखो साडे कोल आ सॉलिड चीज़ हैगी तुसीं इस पासे ध्यान दिओ तुसीं होर पासे ना दिओ ना। मैनूं लगदा कि आम आदमी पार्टी कोल एडा कोई सॉलिड हैगा भगवंत मान होरी कह सकण बिजली तो इलावा कोई है चीज़ इदां दी जिहदे ते उह कहण कि आ देखो असीं एडा वड्डा काम कर दित्ता हुण साडे वल देखो, देखो 2 साल च किन्नी तब्दीली लै आंदी, क्योंकि अजे भी चीज़ां उत्थे दीआं उत्थे खड़ियां ने। ते अकाली दल जो इस गल तो घेरदा कि उहदे तो इनकारी किया जा सकता, कहिंदे जी BMW का प्लांट लग रहा, लग गया वो कहिंदे तुसीं कहिंदे सी गोल्डी बराड फड़िया गया, फड़िया गया, मिल गया सिद्धू मूसेवाले का इंसाफ, वो कहिंदे तुसीं 2 करोड़ के मामले च चरणजीत सिंह चन्नी होरां नूं घेरिया सी, फड़ लिया चरणजीत सिंह चन्नी नूं, कर ली जांच पड़ताल, ते हुण इस संदर्भ च गल इत्थों ही गांह तुर पई, उन्होंने 5 तरीक की होर चैलेंज देती है कि अरबी घोड़ियां दा मैं दसांगा, जे अरबी घोड़ियां दा दस देणगे मुख्यमंत्री भगवंत मान होरी कि इत्थे आ उत्थे आ उन्ने रखे इन्ने रखे। मैनूं लगदा कि 57 तो अज तक आप प्रोग्राम तो पहला भी गल करते सीगे कि घोड़े वो कहिंदे हुंदे ना जिधर गए बाणी ते उधर गए व्यापार, हुण वो घोड़ियां वाला मामला कितें दा कितें जे तुसीं दस दोगे कि कित्थे घोड़े ते पंजाब दा भला किन्ना हो जाएगा उस चीज़ नाल। मैनूं लगदा है कि यह घोड़ियां वाली गल मुख्यमंत्री नूं कल किसी अफसर ने ताजी ताजी दसी है, क्योंकि जब वो तत्थ दस रहे थे कि असीं भी उन्हां तत्थां नूं चैक करन की कोशिश की, यह 1957-58 की गल करते हैं जब सुरजीत सिंह मजीठिया उन्हां डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर होंदे सीगे जवाहर लाल नहरू उन्हां दी सरकार दे विच, जब वो अरबी देशों के वल गए थे तो उत्थे एक राजा ने 2 घोड़े दिते थे या कुछ घोड़े दिते थे जिन्हां घोड़ियां नूं ट्रेनिंग देनी सी भारतीय फौज के विच, मेरठ भेजना सीगा, और बाद चो कहिंदे राजा ने पुछे कित्थे गए घोड़े, कहिंदे नहीं पहुंचे, और जवाहर लाल नहरू उन्होंने नाराज़ होकर इस्तीफा मंग लिया सुरजीत सिंह मजीठिया उन्हों का,
जबकि हिस्टरी या फैक्ट्स जोड़े है वह यह गल कहते हैं कि 57-58 तो बाद उस तो बाद भी जोड़े सुरजीत सिंह मजीठिया उन्होंने कांग्रेस की टिकट के उत्ते इलैक्शन लड़िया हूँ जे उन्होंने कढ़ दिता तो बाद चो इलैक्शन क्यों लड़ाया यह एक तत्थ मैं लगता बड़े अजीब जी और उस तो बाद जोड़े कहेंगे ने कि मुख्यमंत्री 5 तरीक तक घोड़िया का पता दस दो कितने है नहीं तो फिर मैं दस दूँ दस के की कर लोगे वो 75 साल पहले वाले घोड़े कि हूँ तक हो गए उन्होंने तो हूँ लिद भी नहीं बची होएगी तुम लिद की भी लिद कट्ट के उत्ते क्ढन के उत्ते मैं ऐ लगता है कि पॉलिटिक्स का सर जिदा असी गल शुरू की है अरबी घोड़िया के नाल कितने गए कितने नहीं उदा पंजाब की अज की पॉलिटिक्स के सरकार का की लेना देना है कि विजिलेंस ब्यूरो तो इस गल के उत्ते भी केस करा दोगे कि अरबी घोड़े कितने ने मैं ऐ लगता है कि जिस तरीके चरणजीत सिंह चन्नी उन्होंने 2 करोड़ के मुद्दे के उत्ते जिदा जिक्र कलेर साहब ने किया भी है जी कि 2 करोड़ 31 तरीक तक दस दो नहीं तो मैं दस दूंगा तुम कि प्लेयर तो 2 करोड़ रुपए मंगे या लिते हैं जो भी है की कर लिया वो मैं ऐ लगता है बड़कों वाली पॉलिटिक्स भावें पंजाबी लाइक तो करते हैं जब बड़कों के कोई दम नहीं होंगे ना और इन्हों बड़कों करके ही मनप्रीत सिंह बादल उन्होंने केस और उन्होंने जमानत मिली यह गल पूरा पंजाब जानता है कि मनप्रीत बादल ने कोर्ट के यही प्ली लीती कि मुख्यमंत्री ने केस दर्ज होने तो पहले ही यह कहता कि मनप्रीत बादल उन्होंने खिलाफ केस दर्ज हो गया हूँ अंदर जाएगा और यह एक पोलिटिकल वेंदेता होने का एक सबूत भी है और इदा का सबूत इदा की भाषा का प्रयोग करके कई बार कोर्टा के कई जे एक्यूज है उन्होंने रिलीफ भी मिले है पर इस मामले के अरबी घोड़े 5 तरीक तक दस दो कितने है वही गल ये भी तो है ना भास्कर साहब तुसी अरबी घोड़े लभदे पे हो बिक्रम मजीठिया का ताज़ा केस NDPS के तहत उन्होंने गिरफ्तार किया जमानत मिली तुम कहते सुप्रीम कोर्ट से चैलेंज करता क्यों नहीं करते चैलेंज देखो दूजे पासे निरंजन सिंह वाली गल तुसी भी अपने प्रोग्राम दे विच करके हटे हो वो पुछते ने कि जिस तरीके नाल राजजीत उन्होंने खिलाफ उन्होंने जांच की तो उन्होंने ट्रांसफर होगी तुसी उही केस खोल दो राजजीत तुहाडे तो इस करके नहीं फड़िया जाता एक व्यक्ति एक पुलिस ऑफिसर जिहड़ा भगोड़ा है और वो एक बार इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता है और जदों उन्हें पता लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही उसकी हाईकोर्ट तो बेल रिजेक्ट हो गई वो फिर लुप्त हो जाता है यह सरकार की नाकामी नहीं है हुण सरकार की नाकामिया के उत्ते पर्दे पाण वास्ते तुसी अरबी घोड़े लभन चले हो जे तुसी 5 तरीक नूं इह दस भी दोगे कि अरबी घोड़े कित्थे है अब्बल तो मैनू नहीं लगता कि तुहानूं पता होएगा यह जरूर कह सकते हो कि जी वो फलानी जगह चले गए थी फिर उस तो बाद उत्थे चले गए तो हुण इस धरती ते वो घोड़े नहीं है जे उन्हां घोड़े के बच्चे भी होण तो उन्होंने भी तुम प्रैस कॉन्फ्रेंस में शामिल करके की साबित कर लोगे कि एदा पंजाब की पॉलिटिक्स के नाल पंजाब की गुड गवर्नेंस के नाल कोई लेना देना है मैं ऐ लगता है कि यह बेतुके मुद्दे तुहाडी गल ठीक है जसवीर जी जब तुहाडे कोल कोई दिखाण नूं नहीं हुंदा तुहाडे कोल कुछ कहण नूं नहीं हुंदा फिर गल अरबी घोड़िया की करनी पैंदी है और अरबी घोड़िया के बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने बोल बड़े तिखे होंदे सी और उही उन्होंने USP सीगा जब तो यह जफ्फी पई है दोनों के बीच हूँ उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू होना पंजाब की पॉलिटिक्स एक हाशिया चले गए हैं मैं लगता है वो जो हाशिया जाने तो पहले वाला स्थान है ना हूँ भगवंत मान उन्होंने लैना चाहते हैं क्योंकि बिक्रम सिंह मजीठिया ना ही लैन का ज्यादा बेहतर है क्योंकि सिद्धू के पल्ले कुछ नहीं पाया तो वह वाला थान ना ही लैन भगवंत मान हो रही ज्यादा वधिया पर ये एक चीज हो रहा कि ठीक है बहुत कुछ इतिहास के जो थोड़े न हो पॉलिटिक्स यही कहती है कि तुम एक बार आओ तो सही थानू अपने दादे का नहीं ना पता तो पॉलिटिक्स योजी चीज़ है तुम्हें तो पड़दादे तो पड़दादे के पड़दादे का भी दस दूगी कि वह की करते होंगे सके यही कुछ किया जा रहा हूँ बिक्रम मजीठिया अज के दौर च है तो उन्होंने उन्होंने दादे दियाँ कीतियां हुई कर करके जड़िया वो सुनाई जा रही ने पर सवाल इतने ये भी रह जाता कि जदों तुहाडे एक मंत्री दी वीडियो दा मामला आउंदा ते जिहड़ा मामला चुकदा सुखपाल खहरा उन्हूं तुसीं इह कह के टाल दिंदे हो कि तुहाडे नाल वी तां सीगा ही उह उदों कदों नहीं तुहानूं पता लगा अज क्यों पता लगदा आ ते उत्थे तां तुसीं कहिंदे कि उह पुराणी गल आ अज दी गल नहीं है इत्थे तुसीं पुराणियां गल्लां चुकदे हो सो मैनूं लगदा कि पॉलिटिक्स हुण ना उसे ली ते फिर तुर पई है जिस ली ते रवायती तौर ते तुरिया करदी सी बदला बदला रघानिया बदला रवायत के पटे ते चढ़दा हुण नज़र आ रहा ते फिर उही उस केंद्र बिंदु के दुआले चीज़ां तुहानूं घुमदियां नज़र आउणगियां खैर देखदे हुण इह पॉलिटिक्स जांदी किहड़े पासे नूं पर नाल मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां दे लई इह भी दिक्कत है कि पटीशन हाईकोर्ट च पै गई हाईकोर्ट ने जवाब तलबी कर ली मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना ते
गल करते हैं छोटे जिन्ने विराम तो बाद। ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। जिक्र मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का धड़ल्ले नाल शुरू की, दो थावां तो इहदी इनैगोरेशन की। अमृतसर तो दो मंत्री करते हैं, कुलदीप सिंह धालीवाल ते हरभजन सिंह ईटीओ। तो बकायदा जिहड़ी है वह धूरी दे विच दो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ते मुख्यमंत्री भगवंत मान इहदा आगाज करदे आ। भास्कर साहब, एडे जोर शोर नाल शुरू की हुई ये यात्रा जिन्हों दिल्ली दे विच एल जी ने चलन नहीं दिता सीगा, इत्थे पंजाब च चली क्योंकि पंजाब तो कंप्लीट स्टेट है, किहड़ा रोक लूगा। इहदे अपने भी अख्तियार है गए ने और अख्तियारां दी वरतों कीती सरकार ने, पर हुण समस्या ये पै गई है कि परविंदर सिंह कितना आर टी आई एक्टिविस्ट ने। उन्होंने वकील एच सी अरोड़ा दे राही हाईकोर्ट च पटीशन पाती कि दसो जी इहदा इस यात्रा दे नाल पंजाब नूं हासिल की होएगा, लोगों के टैक्स के पैसों ठीक नहीं खर्चा जा रहा, तो ये जवाब तलबी होनी चाहिए सरकार तो। मंग लिया हाईकोर्ट ने जवाब, कि दो जवाब आन के बिल्कुल यह जवाब बनता भी है। तुसी कई चीज़ फ्री देने की कोशिश करते हो और फ्रीबीज की राजनीति वो किसी भी सूबे दे वास्ते बहुत सारे देशों आप इस करके भी बर्बाद होंदे हुए देखे कि उत्थे फ्रीबीज की गल हुई जिहदे विच श्रीलंका एक एग्जाम्पल हैगा जी। हुण इत्थे जिस तरीके नाल बिना मंगे आ तीर्थ यात्रा वाली गल चली है और उहदे विच भी हजे क्लैरिटी नहीं है। कोई कहिंदा बजुर्गों नूं 60 साल तो उत्ते वाले नूं ही इस तीर्थ यात्रा विच लिजाण की कोशिश की जाएगी। तुसीं एडवरटीजमेंट सुनो, इहदी मेरे ख्याल नाल 3-4 मिनट की एडवरटीजमेंट हैगी है जी। जिन्ना तीर्थ यात्रा के उत्ते खर्चा नहीं होएगा उस तो ज़्यादा तो एडवरटीजमेंट के उत्ते कर लिया। और उस तो पहले मोहल्ले क्लीनिक के मामले के भी अजोय शर्मा वाली गल 10 करोड़ की इनवैसमेंट सी, 30 करोड़ की एडवरटीजमेंट देने की गल चली सी। इस तो पहले फ्री राशन घर घर पहुँचाने की गल के उत्ते भी हाईकोर्ट ने एक बार रोक लगाई थी और हजे भी शायद वो उत्ते हजे भी रोक लगी। डिपू होल्डर हुण फिर कहिंदे सी कोर्ट दे विच जाणा, ते हुण इस मामले दे विच परविंदर सिंह कीतना एस सी अरोड़ा वह वकील ने जिन्हें कई बार सरकार के उत्ते सरकार के गलत कामों के उत्ते आवाज़ भी उठाई और कोर्टा के पटीशन भी पाई। सिर्फ यही सरकार नहीं, पिछलियां सरकारां दे उत्ते और हुण यह पटीशन और हाईकोर्ट के सबमिट हो गई है। हाईकोर्ट ने मंग लिया भी दसो टीचा की है, तुसी सूबे दे विच लोगों के कलेक्ट टैक्स के पैसे नूं किस तरीके नाल बर्बाद कर रहे हो, फ्रीबीज का मतलब की है। वैसे इकोनॉमिक्स दे विच यह गल कही जाती है भी कोई भी चीज़ फ्री नहीं होंगी, जे तुसी कोई चीज़ फ्री लै रहे हो तो फिर तुसी वो फ्री दे सकते हो, या फिर तुसी कर्जे लैके कोई चीज़ फ्री दे रहे हो। हुण PRTC की या बसा की पोजिशन या रोडवेज की पोजिशन किन्नी कु टाइट है, यदा असी आए दिन हड़तालों के जरिए देखते हैं। हुण महिलावां नूं फ्री यात्रा की इजाजत पिछली सरकार ने दी सी, इन्हां ने भी उन्होंने कंटिन्यू रखिया। तुसीं इह देखो कि इहदे राही हो सकदा तुहानूं वोटां दा फायदा होए पर देश सूबे की आर्थिक हालत होर ज़्यादा खराब हुई है। सूबे की आर्थिक हालत खराब करके अक्सर मुख्यमंत्री उन्हां कहिंदे ने कि लोगों का टैक्स का पैसा है मैं लोगों नूं वापस दे रहा, लोगों का टैक्स का पैसा उन्हूं किसी कैपीटल एक्सपेंडिचर दे विच ला के उहदे तो कमाई करके जे तुसीं कुछ करो या सूबे की कमाई वधा के, एक घर दे विच भी यह पोजिशन हैगी है कि जे तुहाडे आप दे घर दाने नहीं हैगे ते तुसीं किसी नूं दान या लंगर किदां ला सकदे हो। और यह सरकार पंजाब की अगे वधदी नज़र आती है, एक तरफों तो यह कहती है साडे कोल पैसे की कोई घाट नहीं, दूजे पासे कहती है भी किसानां नूं कंपनसेशन देने दे मुद्दे दे उत्ते गन्ने की कीमत वधाउण दे मुद्दे दे उत्ते सरकार कोल पैसे नहीं हैगे। यह एक अजीब जी सिचुएशन बनी हुई है। इस सिचुएशन के उत्ते गल हुण हाईकोर्ट तक पहुँच गई है, हाईकोर्ट ने यह नोटिस देता है, सरकार की जवाब देती है, यह देखने वाली गल। दो चीज़ा ने भास्कर साहब ये आप चर्चा करते हैं कि प्रोडक्टिविटी की है, ये निकलता की है, तुम पैसे इदा ही क्यों खर्च करते हैं। तो मैं लगता कि भगवंत मान होर उस तर्क न असी दरकिनार नहीं कर सकते जो ये कहेंगे कि लोगों का पैसा लोगों पर क्यों नहीं खर्चा जा सकता, खर्चा जाना चाहिए लोगों पर ही खर्चना है। जे वह बजुर्ग जे आप कितने यात्रा नहीं कर सकते धार्मिक यात्रा तो उन्होंने करवा दें सरकार तो ये हर्ज की है, क्योंकि पहली बारी तो यह काम होया नहीं, ये तो पहला पिछली सरकार ने भी अकाली दल की सरकार ने भी तो शुरू किया ही सगा, उदो भी तो यही चीज़ा सगियां। एक गल महत्वपूर्ण यह नहीं है कि जो तर्क यह दिता जाता जी देखो सानू सुविधावान मिलदिया ने सत्ता के आने वाले सुविधावान मिलदिया ने लीडर मिलदिया ने तो असं लोगों का तो ना दे होना यह चाहिए कि जे एक चीज़ गलत हो रही है तो वह पैरल एक होर गलत कर दीए, या ये होना चाहिए बंद करो फिर जिन्हिया सुविधावान मिलदिया ने तय करो कि लीडर का इलाज प्राइवेट हस्पताल च नहीं होएगा।
सिर्फ सरकारी हस्पताल च होएगा। लीडर का बच्चा, सरकारी कर्मचारी का बच्चा सिर्फ सरकारी स्कूल दे विच पढ़ेगा। जे नहीं पढ़ता उदियां इंसेंटिव बंद करो, वो जिनी फीस वो प्राइवेट स्कूल च तारदा उन्हूं कह उन्नी पैरल जिहड़ी सरकारी स्कूल नूं दे दे फीस, उत्थे देनी पैगी तैनूं, सरकारी स्कूल च पढ़ा। तुहाडा सफर जिहड़ा होवे ओ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होना चाहिए, तुहाडा प्राइवेट नहीं होना चाहिए। तुसीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट च करो सफर, तुहानू जिहड़ी मुफ्त की बिजली मिलती है, तुहानू मुफ्त का पानी मिलता, मुफ्त दीआं यात्रावां बंद करो, अपनी तनखाह चो दिओ। यह चीज़ा होनी चाहिए तां अगे वधांगे, जां सारयां नूं सारा कुछ मुफ्त करके करजे लैके वधांगे। वैसे बनी तो आम आदमी पार्टी इन्हां चीज़ां वास्ते सी जिन्हां चीज़ां दा तुसीं जिक्र कर रहे हो, और उन्होंने एक सिंपलिसिटी ऑस्टेरिटी दो एक नियम बनाए सीगे, किफायत दे नाल सरकार चलाना। लेकिन हुण किफायत कित्थे है? किफायत की गल दे तुसीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली दे मुख्यमंत्री अपने घर की रेनोवेशन के उत्ते जब 50 करोड़ रुपए ला देंगे ने, तो उन्होंने जब सवाल पूछा जाता है वो कहते हैं प्रधानमंत्री ने भी तो 500 करोड़ लाया, तो जब मैं 50 ला लिया तो की गल है। हुण जवाब भी इस तरीके से आने लगे ने, मुख्यमंत्री भगवंत मान उनका काफिला सब तो वड्डा है, और जिनी कु सिक्योरिटी पंजाब के खाते तो दिल्ली के लीडर मिली हुई है, तुसीं अपने आप ही अंदाजा ला सकते हो। किफायत कि किफायत, तुसीं पेंशन के मुद्दे के उत्ते एम एल ए की डबल पेंशन या दो टर्म की पेंशन कट के सिर्फ एक पेंशन एक टर्म की करके 9 करोड़ रुपए बचाने की गल करते हो, पर दूजे पासे ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 700 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ, 700 ਕਰੋੜ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ 'ਤੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਚੋ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਟਿਊਬਵੈਲ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵੰਡੀ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਰਕਮ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੁਹਾਈ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਫ੍ਰੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਟੈਕ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਰੀਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਓਰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਘੇਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤਾਂ ਘੇਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚਿਓ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਫਰੀਬੀਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ ਭਾਈ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ते दूजे पासे तुसीं ओ पैसा होर पासे खर्च कर देंदे हो जदों लोक भलाई दी गल आउंदी है उत्थों किते हाथ घुट दे हो फिर सवाल लाजमी तौर पर उठने हो जाते हैं। तो हुण इस मामले च ये पटीशन पई है सरकार की जवाब दिंदी है उहदे तों बाद अगे मामला किहड़े पासे नूं जांदा ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना इस तरीके निर्विघन चलती रहती है या ये कोई रेड़का आता है ये सारिया चीज़ा फिलहाल कोर्ट के हवाले आ वो इस पासे वालों के कदम पुटदी है पर इन्ना जरूर है मामले हुण हौली हौली पेचीदा होंदे जा रहे हैं। फिलहाल पेचीदा का सरकार लई मामला यह भी है कि उधर मुलाजम अपनियां मंगां नूं लैके मिनिस्ट्रियल स्टाफ के जिहड़े यूनियन के मैंबर आ वह हड़ताल से लगातार चल रहे हैं 6 दिसंबर तक हड़ताल है उन्होंने वाले पासे ध्यान क्यों नहीं दिता जा रहा क्योंकि कर्मचारियों की सरकारी कर्मचारियों की तनखा अटकी पई है इन्हों की हड़ताल का करके जिक्र छेड़ते हैं छोटे जिन्ने विराम तो बाद ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ के मैंबर हड़ताल से ने और हड़ताल इतों तक पहुँच गई है। मैं एक वीडियो देखता पाया कुछ कलैरिकल स्टाफ के मैंबर कोई मीटिंग करते पे डीसी साहब न बंदा आ गया मिनिस्ट्रियल स्टाफ का लानत मलामत कर लग पाया भाई थोड़ी तो लड़ाई लड़ते हैं असी बाहर दरिया से बैठे तो तुम अंदर मीटिंगा करते पे हो तो उस सामने कोई बोलिया नहीं। दूजे पासे हुण यह भी चर्चा चलती पई है कि सैक्ट्रीएट दे विच भी बहुत सारे मुलाजम जिहड़े आ इदां दे आ उह ऐलान कर रहे आ कि जे ना मंगा मन्नियां गईआं असीं भी हड़ताल ते आ जाणा और इस हड़ताल दा करके भास्कर साहब लगभग 2 लख सरकारी कर्मचारियों की तनखा अट गई है क्योंकि वह अपने मिनिस्ट्रियल स्टाफ वालों की भी अटकी हुई है तो बाकियों की भी लटकाई हुई है उन्होंने तो एक पासे तो आ एक सरकारी अदारे दे विच अनरेस्ट वाली स्थिति जिहड़ी आ उह बनी हुई आ। दूजे पासे सरकार कहिंदी असीं 5 दिसंबर नूं जाके मीटिंग करांगे जिहड़े मसले छेती नहीं जिठे जा सकदे उह तरीकां क्यों पाईआं जांदीआं ने मैनूं लगदा कि मीटिंग करन दे विच की हरपाल जी माहुरी इदां दे किहड़े मसले च उलझे आ जिहड़े 5 दिसंबर तक वेहले नहीं होणगे। कई बार सरकार दी ना डिले टैक्टिक्स मसले नूं होर ज़्यादा खराब कर देंदी है। गन्ने दे मुद्दे दे उत्ते असीं देखिआ ही है पिछे जिस तरीके नाल सड़कां जाम हो गईआं उस तों बाद अचानक ही मीटिंग दित्ती जांदी है और मीटिंग दे विच यह फैसला कर दिता जाता है कि असी पैसे वधा देंगे और मिलां चालू हो जाणगीआं 11 रुपये वधाण तों बाद अज भी मुकेरियां दे विच उह फिर नैशनल हाईवे किसानां ने रोकिआ होइआ मिलां शुरू होईआं नहीं होईआं इहदी खबर हजे तक पक्के तौर 2 दिसंबर नूं होणीआं कहिंदे 2 दिसंबर नूं होणीआं लेकिन अज 2 दिसंबर ही है अज होईआं कि नहीं होईआं इहदी जानकारी ऐलानण तों बाद ही मिलां जिहड़ीआं चलणीआं लेकिन मिनिस्ट्रियल स्टाफ दे विच उहनां दी मंग की है। सब तों पहली मंग तो उहनां दी हैगी है ओल्ड पेंशन स्कीम जिहदे बारे सरकार पहले एक नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है उह नोटिफिकेशन किन्ना कु जाली सीगा इस गल तों अंदाजा ला सकदा है कि अज तक किसी भी मुलाजम नूं वह नोटिफिकेशन नहीं मिलिया जिहदे विच पूरा प्रोसीजर लिखा होए और ओल्ड पेंशन के नाते सरकार लोगों नूं भ्रमित कर रही है। ओल्ड पेंशन लागू करन दी गल केंद्र सरकार भी कर रही है हुण सूबे की सरकार ने तो अपने आप विच गुजरात इलेक्शन तो पहले ही सूबे दे विच ओल्ड पेंशन स्कीम चालू करती थी। हुण मध्य प्रदेश के इलेक्शन कैंपेन के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान उन्होंने भी कहते सुने गए कि देखो साढ़े सूबे दे विच ओल्ड पेंशन शुरू हो गई है पर कित्थे होई है अज 17 दिन हो गए मुलाजम हड़ताल ते ने तनखाह उन्हां दी रुकी हुई है 6 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिता होया 5 दिसंबर नूं इह मीटिंग बुलाई गई है। उस मीटिंग दे विच ओल्ड पेंशन स्कीम दे मुद्दे दे उत्ते सरकार की फैसला लै सकती है। सरकार ने जद विजय जंदुआ साहब चीफ सैकटरी होंदे सीगे एक कमेटी बनाई थी उस कमेटी का यह काम सीगा कि पता करो पैसे कितों लियावांगे अजे उस कमेटी जंगुआ साहब तो हो गए रिटायर उस तो बाद अनुराग वर्मा चीफ सैकटरी बने ने कि वो उस कमेटी के पार्ट है ने। उस कमेटी ने कोई इदा की रिपोर्ट दी जिस रिपोर्ट के बेस के उत्ते पता लगाया जा सके कि पैसे कितों लियावांगे हुण यह तो पता नहीं मंजी कितने डावा पर यह भी कि डानी है हुण उन्हां मंगां नूं लैके जिहड़ी सरकार कहिंदी असीं करती उहदे उत्ते अगर 17 दिन तक हड़ताल चलती है और हड़ताल की कर्मचारियों की तनखा नहीं मिलती है और अगर यह मामला अग की तरह होर फैल गया तो फिर सरकार को झुकना ही पड़ेगा ना। सरकार इस गल का जवाब देना चाहिए कि जिहड़ी चीज़ तुसी अनाउंस की है नोटिफिकेशन की है वह हजे तक कोई हल क्यों नहीं होया। इस मुद्दे के उत्ते असी मुलाजमान के नाल कारण कि सरकार जब खुद अनाउंस करके इंप्लीमेंटेशन की गल करती है और इंप्लीमेंटेशन के नाते 0 वड्डा 0 तो फिर मुलाजम उस मंग नूं क्यों ना करन
हूँ देखो 5 तरीक नूं मीटिंग हैगी उस मीटिंग दे विच मैनू नहीं लगता कि वित्त मंत्री दे कोल बहुती उस ओल्ड पेंशन स्कीम दे मुद्दे दे उत्ते कुछ कहण नूं हैगा है। क्योंकि सरकार फड़ी गई है झूठ बोलती है जे झूठ बोल के फस जाए सरकार तो फिर सरकार करेगी क्योंकि पैसे है नहीं तुहाडे कोल और यही झूठ किसान कहते साढ़े नाल बोलिया किसान भी कहते जिदन मुख्यमंत्री भगवंत मान होर मीटिंग हुई वह कहते सानू ये भरोसा दिता गया सी जिन्ना हरियाणे ने वधाया आ पैसा गन्ने के भा दे वध असी रखांगे तुहानू संतुष्ट करांगे हरियाणे ने वधाए 14 रुपये तो सानू कहते उम्मीद सी जे 14 हरियाणे ने वधाए तो साढ़े 20 रुपये तो घट्टो घट वधणगे 15, 16, 17, 18 11 रुपये हरियाणे तो घट वधा के कहते तो सानू धोखा दिता इन्हां ने। देखो गन्ने के किसान की होर भी एक प्रॉब्लम हैगी है कि जिस तरीके नाल गन्ने की फसल के दाम तय होने दे विच देरी हुई उस देरी करके वो अपने खेतों के विच कणक नहीं उगा पाए और उस तो अलावा कारण मुकेरियां दे विच ट्रैफिक जाम का या हाईवे जाम का यह कारण मेन हैगा कि सरकार यह फैसले लेट क्यों लैंदी जे फैसले लेने ही सीगे सड़कां जाम होने तो बाद कर्मचारियों के हड़ताल से जाने तो बाद यह फिर फैसले क्यों लिते जाते हैं सरकार झुकती नज़र आती है और सरकार अपने आप को झुका के भी अपनी जित प्रोजेक्ट करती है या तो है तुहाडे कोल पैसे या नहीं है या तो ओल्ड पेंशन स्कीम तुसीं इंप्लीमेंट करती है या नहीं की है सरकार इस मुद्दे के उत्ते साफ तरीके अगे क्यों नहीं आती और यह कन्फ्यूजन जब बनिया रहिंदा तो फिर हड़ताल होंगी है हड़तालों तो बाद फिर सरकार हाथ पैर जोड़ के क्योंकि पिछले दिनों के एक मंत्री की मीटिंग थी धरनाकारियों के नाल और मंत्री ने अंदर जाके 3 मिनट के मीटिंग मुकाती थी और जड़ी मंगा सुने बगैर वो कहते थे मंजूर 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 पर धरना नहीं लगना चाहिए पर हुण धरने लगन तो बाद जे सरकार होश ही आ रही है सरकार मीटिंग कर रही है तो ये लोगों का भी नुकसान है और सरकारी खजाने का भी नुकसान है और जे तुसीं मंगा माननी है तो पहले ही मान लो जे नहीं माननी है तो फिर करो उन्होंने मुकाबला जे मंगा इनजेन्यून है। हुण ओल्ड पेंशन स्कीम की मंग इनजेन्यून किदां हो सकती है जब तुसीं खुद कह रहे हो कि असीं तो करती जे नहीं की ही यह मंग उत्ती उठी है। मैं ऐ लगता है कि सरकार की गवर्नेंस और सरकार का अपनी की हुई गल्लां तो मुकरना मूंगी की कीमत दे उत्ते सरकार मुकरी ना जे मुकरी सरकार तो अज तुसी डाइवर्सीफिकेशन के मुद्दे दे उत्ते जे किसानां नूं कहो कि मूंगी उगाओ वो क्यों उगाणगे पहले तुसी मुकर जांदे हो बाद चो कहिंदे हो आ उगाओ यानी होर तमाम वो मुद्दे जिहदे उत्ते सरकार या सरकार दे उत्ते लोकां दा भरोसा उठ जांदा है फिर सरकार वो किसी काम की नहीं रहिंदी। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਉਹ ਆਰਡਰ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿੱਤਾ ਈਵਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ और भरोसा ही टुट गया तो फिर तो बतौर मुख्यमंत्री बने रहने का ही कोई हक नहीं है क्योंकि तुम जी चीज़ अनाउंस कर रहे उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं कर रहे और इदा की घट तो घट असी भी चीज़ा गिना सकते हैं जेडे मुख्यमंत्री ने आप अनाउंस की और उस तो बाद उन्होंने मुद्दों के उत्ते ना केवल खड़े तो दूर की गल हैगी है भज गए उन्होंने मुद्दों के बहुत सारिया चीज़ों ने फिर पोलीटल पार्टियां जिड़िया विरोधी पार्टियां ने ना उन्होंने भी घेरन का मौका मिल जाता हूँ प्रगट सिंह ने अज कर ही दी पोस्ट पाई दी कि केजरीवाल साहब जे पंजाब आए हो ना तो थोड़ा जहा अपने सिक्ख्या मंत्री पंजाब के हरजोत बैंस के पिंड भी जाइए उ भी धरना ला के बैठे ने टीचर पानी वाली टैंकी चढ़े हुए जिन्होंने तुम टैंकियों तो भैं भरा बना बना के लाते होंगे सके थोड़ा जहा इधरले पास अपने एजुकेशन मॉडल में देख लो कि पंजाब दे विच हो की रहा वह गल वक्री है। खुद प्रगट सिंह जो सिक्ख्या मंत्री होंगे सके उन्होंने घर के अगे भी धरने प्रदर्शन इदा ही होंगे सके सो सिचुएशन जी हैगी ने यह थोड़ी जी टेढ़ी हैगी है उलझी हुई है इनू सुलझाया किवें जांदा आ धरने चुकवाए किवें जांदे आ जां धरने ना लाउण दी जिहड़ी आ उह परिस्थिति किवें पैदा कीती जांदी आ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨੀਅਤ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਰਾਤ ਭਲਕੇ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। तेलंगाना दीआं चोणां तों बाद हुण इंतजार सीगा कि 5 सूबिआं दीआं चोणां दे नतीजे ऐलाने जाणगे भड़कदा दिन
बहुत छुट्टी का दिन होएगा, थोड़ा जा रिलैक्स होने का दिन होएगा, पर उम्मीदवार रिलैक्स होने का दिन नहीं होएगा, उन्होंने तो चिंता बढ़ाने वाला दिन होएगा। तो कल की गिणती तो पहला अज की रात वो बड़ी भारी रहने वाली आ, शायद कई नींद भी ना आए, शायद कि सारियां नींद नहीं आनी, कल पता नहीं की होना। भास्कर साहब, कांग्रेस वाले चाहे कमलनाथ होरी होन, जीतू पटवारी होरी होन, बाकी सारे होन, वो वीडियो पोस्ट कर करके कह रहे हैं कांग्रसियों ध्यान रखियो, कल की गिणती का एक एक वोट का ध्यान रखना, हेर फेर होना है अपने ना मध्य प्रदेश के भी, तो राजस्थान के ध्यान रखने की लोड़ हैगी। और हैरानी की यह गल आ कि छत्तीसगढ़ के भाजपा के लीडर भी कह रहे हैं कि थोड़ा जहा ध्यान रखने की लड़ है, तो पता लगा चार्टर्ड प्लेन भी पहले ही बुक करवा ले गए हैं। हालांकि गिनती कल होंगी है, उस गिनती तो पहले एक तरीके नाल कमासान मचया होया। हुण दो तीन चीज़ां पिछले दिनों के वीडियो के जरिए उजागर हुई, एक बीजेपी के एक लीडर मध्य प्रदेश के कह रहे हैं कि अगर काउंटिंग सेंटर कांग्रेस जित रही हो तो बवंडर मचा दो, तुसी ना परवाह करो, तुहाडे दाएं कोई बैठा है कोई बाएं बैठा है, तुसी उत्थे रोला पा दो, कोई ना कोई पंगा पा दो। हुण इह गल्लां कित्थे जा रही हैं। दूजे पासे जिहड़े पोस्टल बैलेट है वो छुट्टी वाले दिन जिस तरीके नाल सैट किए जा रहे हैं, गिने जा रहे हैं, उहदी भी एक वीडियो उजागर हुई है। इलैक्शन कमीशन इस मुद्दे ते चुप है, कंप्लेंट कांग्रेस कर रही है। हुण जिहड़ी एग्जिट पोल दी जिहड़ी रिपोर्ट्स आई हैं उहदे बेस ते मध्य प्रदेश और राजस्थान दे विच कन्फ्यूजन है। और जिथे तक गल करिए छत्तीसगढ़ की, उत्थे कांग्रेस सरकार बना रही है, BRS तो कांग्रेस काफ़ी अगे निकल चुकी है तेलंगाना दे विच, और मिजोरम की काउंटिंग हुण एक दिन बाद होएगी क्योंकि रविवार मिजोरम दे विच बड़ा एक इंपोर्टेंट डे हुंदा है, इस करके वो काउंटिंग हुण चार तरीक नूं करन दा फैसला हुण किया गया जी। हुण इन्हां चार सूबयां दे विच कांग्रेस की खबर निकल के आई है, दो प्राइवेट जैट उन्होंने बुक कर लेने, रिजोर्ट खाली करा ले गए ने बेंगलुरु दे विच। बेंगलोर कर्नाटका दे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिहड़े DK शिव कुमार ने उन्हां दी चेचे तौर पर ड्यूटी लाई है कि भी आ MLA तुहाडे कोल भेज रहे हैं, सामभ के रखो। और बहुत सारे MLAs नूं तां इंस्ट्रक्शन भी गई है, या कैंडीडेट्स नूं कहीए आपां कि जदों ही वो कल इलैक्शन जितते ने उन्हां नूं सर्टिफिकेट मिलता है, तो सर्टिफिकेट लैन तो बाद वो घर नहीं जाएंगे, उन्हां नूं एक पॉइंट दस दिता गया कि इत्थे इकट्ठे होना है या तुहानूं उत्थों ही चक के सीधा बेंगलोर भेजना है। हुण बेंगलोर दे जिहड़े DK शिव कुमार ने वो तो कहिंदे ने मेरे कोल इंतजाम 5 स्टेट दे हैगे जी, जिन्हें जितते ने मेरे कोल भेजो, मैं सारे रिजोर्ट इत्थे बुक कर ले ने ते उत्थे आपां करांगे। यही सब कुछ BJP भी कर रही है। दो बार BJP तो मार खाण तो बाद, तुहानूं याद होएगा कर्नाटका और मध्य प्रदेश के 2018 के जीती सी कांग्रेस जी, और उस तो बाद सरकारां पलट के बन गई थी BJP की। इस स्थिति नूं देखदे हुए अज की रात जिदा तुसीं भी कह रहे हो कि कयामत की रात, इस कयामत की रात दे विच अगे चल के होएगा कि कल मैनूं इह लगदा है कि संडे का दिन हैगा, असी भी इलैक्शन के रिजल्ट नूं बड़े नीह ला के जिदू कहिंदे कि उदां देखांगे, पर उस तो पहले पोलीटिकल पार्टियां वास्ते एक वड्डी मुसीबत बन गई है। जे जिस तरीके की सिचुएशन मध्य प्रदेश और राजस्थान के निकल के आ रही है कि बंदे जित भी गए तो उन्होंने सामना बड़ा औखा है। हुण सामभ के रखने के बावजूद भी, क्योंकि जब तुम देखा होगा कई तो खिड़की तो कुद के भी चले जाते हैं, तो इदा के हालात के सारी पोलीटिकल सारी की BJP तो कांग्रेस ही हैगी है, वो ना केवल अपने बंदियां नूं सामभ के रख रही है, दूजी पार्टियां के बंदियां के उत्ते नज़र भी गाड़ के रख रही है, और किदा कित्थे किन्नू लैके जाना है। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ, ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ। ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, EVM ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਵ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ईवीएम दे विच जे कुछ इधर उधर हुंदा जिद्दां दीआं शंकावां प्रगटाईआं जा रहीआं ने ਉਹ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਫੁਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੱਤ ਲਿਖਤਾ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਬਵੰਡਰ ਮਚਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਡੀਆਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੇ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ 12:00 ਤੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 12:00 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਤ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਭਾਸਕਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ